नमस्ते दोस्तों, मैं परमलाल पटेल आज पीआरबी या पीआरडी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो बता रहा हूँ पीआरबी के बारे में, प्रेशर रिलीज रिलीफ वाल्व इन ट्रांसफार्मर, तो इस पे हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो भाई, पीआरबी इन ट्रांसफार्मर फंक्शन और कंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वाई पी आर बी इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के टैंक के प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो पी आर बी हम यूज करते हैं और टैंक के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जॉब में जब इंटरनल कोई फॉल्ट होता है तो टैंक प्रेशराइज होता है और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम पीआरबी या पीआरडी बोलते हैं। और पीआरबी से प्रेशर भी निकल जाता है और हमारा टैंक सेफ हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा पिक्चर देखेंगे। जो फिजिकल पीआरबी है ये इस तरह से दिखता है। फिर इसमें भी कई तरह के पीआरबी हमको मार्केट में मिलते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग टैंक, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ हमको ये तरह तरह के पीआरबी मिलते हैं। इसमें T3, T6 ज़्यादातर यूज होने वाले पीआरबी होते हैं। T3 जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए यूज होता है। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पर। तो पीआरबी हमारा इंटरनल इस तरह से दिखता है। ये टेंशनाइज स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग के द्वारा ये टेंशन में प्रेशर में ये यहाँ से क्लोज रहता है। और ये बाल्ब तभी ओपन होता है जब हमारे टैंक के अंदर 5 PSI, 3 PSI, 7 PSI, 8, 10 PSI, 8 PSI, इस तरह से जितने PSI का हमारे ट्रांसफार्मर में पीआरबी यूज हुआ है उससे जब एक्स्ट्रा प्रेशर जॉब में बढ़ेगा तभी ये यहाँ से निकलेगा। ये इसको प्रेशर फोर्स करेगा, यहाँ से बाल्ब ओपन होके यहाँ से ऑयल इसका बाहर निकल जाएगा। जितना एक्सेस ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। और स्प्रिंग, और जब ये ओपन होता है यहाँ से इसका प्रेशर निकलेगा, जब ये इसको फोर्स करेगा तो ये स्प्रिंग ऊपर उठ जाएगा और ये जो फ्लैप है ये जाके यहाँ पे NVNC कॉन्टैक्ट, जो NO रहता है, और जब ये ओपन हो ऑपरेट होगा तो ये NC होके हमारे रिले में चला जाएगा। और यहाँ से जितना एक्सेस ऑयल ट्रांसफार्मर में प्रेशर के द्वारा बना हुआ है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग होता है। इसको ये स्टड पे जो बोल्ट लगे हुए हैं इनके द्वारा इसको एडजस्ट करके करते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम सप्लायर को इसका स्पेसिफिकेशन भेजते हैं कि हमको 3 PSI का पीआरबी चाहिए, 5 का चाहिए, 7 का चाहिए या फिर 10 PSI का चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर या रिएक्टर में किस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन अपने ट्रांसफार्मर की मजबूती बनाई है और डिज़ाइन में ये कितना प्रेशर तक एप्लीकेबल हो सकता है उसके अनुसार हम ये पीआरबी को अलग अलग प्रेशर में अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चूज करते हैं। तो अब ये हमने इसको तो एक टेस्ट करके दिखाया हुआ है पीआरबी। आप इसको देखेंगे कि इसको हम किस तरह से
पीआरबी को टेस्ट करते हैं कि हमारा पीआरबी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए हमने इसको ऑपरेट करा दिया है, मैनुअली ऑपरेशन ऑपरेट कराया है। यहाँ पे हम टर्मिनल में कनेक्शन देखते हैं, ये चल रहा है। अभी रीसेट कर देंगे तो अभी कंटिन्यूटी आनी बंद हो गई, और ये जो कंटिन्यूटी आ रही है ये इसका कनेक्शन हमारे मेन जो HTLT पैनल होते हैं उसमें एक रिले लगाया हुआ होता है, और रिले के द्वारा ही आगे इसका जब इंडिकेशन पहुंचता है कि हमारा PRB ऑपरेट हुआ है, ये सडनली ये माइक्रो सेकेंडों के अंदर ये आल प्रक्रिया होती है और ट्रिप रिले आगे इसको कमांड करता है हमारे ब्रेकर के लिए, जो ब्रेकर वहाँ से ट्रिप हो जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर बड़ी क्षति होने से बच जाता है। मेनली इसका यूज हम प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए करते हैं, और उस दरमियान हमारे ट्रांसफार्मर में जब PRB ऑपरेट होगा तो एक इंडिकेशन हमारे पैनल में जाएगा, जो पैनल के द्वारा ट्रिप कॉइल या ट्रिप रिले लगाया हुआ, तो ट्रिप रिले आगे ब्रेकर को कमांड करता है और बड़ी क्षति होने से बच जाता है। तो मेन इसका यह इसका बेनिफिट है कि इसको ऑपरेट होने के बाद बदलना नहीं पड़ता, और ये दोबारा अब स्वतः है ही ऑयल को क्लोज कर देता है, एक्सेस ऑयल निकाल के बाकी ये क्लोज कर देता है, तो पूरा ऑयल खाली होने नहीं देता है और टैंक को प्रोटेक्ट करके रखता है। और इस ये दो तरह से एक छोटे ट्रांसफार्मर में जो डायाफ्राम लगाते हैं एक्सप्लोजन बेंट में डायाफ्राम लगाते हैं, तो डायाफ्राम एक बार फटने पर उसको पुनः दूसरा रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जबकि PRB में ऐसा नहीं करना पड़ता और इसको दोबारा रीसेट करने पर पुनः चालू कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम टेस्टिंग को देखते हैं। देखिए हमने इसको ऑपरेट करा दिया, कंटिन्यूटी जाके अब सर्किट बना देगा और ट्रिप कॉइल सर्किट ऑफ हो जाएगी, और ये हमने रीसेट कर दिया। अभी देखो कंटिन्यूटी आना अपने आप ही बंद हो गया। तो इस तरह से हम PRB का ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? इसी तरह से मैं अलग अलग टॉपिक पर जानकारी देता रहता हूँ, तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और किसी इक्विपमेंट के बारे में भी आपको यदि जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और मैं उसमें कोशिश करूंगा आपको नए डिवाइस के बारे में बताने की। थैंक यू वेरी मच।